बिहार में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने गए 10 लोगों की अलग अलग हादसे में मंगलवार को मौत हो गई और 2 अन्य लापता बताए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग से आज प्राप्त जानकारी के मुताबिक नवाद और नालंदा जिले में 3-3 व्यक्तियों, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी में 1-1 व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। नवादा जिले के कोआकोल थाना क्षेत्र में सेखो देवरा सूर्य मंदिर के तालाब में डूबने से 2 युवतियों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। कोआकोल थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि मृतकों के नाम अनुराधा कुमारी, शिल्पी कुमारी और अविनाश कुमार हैं। उन्होंने साथ ही बताया कि पूर्णिमा के अवसर पर तालाब में नहा रहे 2 लड़कियां जब डूबने लगी तो वहां मौजूद जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड में शिक्षक पद पर कार्यरत अविनाश ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन अविनाश की भी डूबने से मौत हो गई। साथ ही मनोज ने बताया कि 3 शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला सदर अस्पताल लाया गया है।